आरआरबी एनटीपीसी की जो है वो फॉर्म आ चुकी है, और एनटीपीसी की जो फॉर्म ये अंडर ग्रेजुएट वाली आई है, ओके, जिसमें स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, तो इसका जो है वो नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, और CEN 5 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो है वो अभी मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ ये एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल वाली है, लेकिन इस अगर आपको आइडिया चाहिए इससे पहले वाले के लिए जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी, तो एनटीपीसी की जो भी नोटिफिकेशन आती है वो मोर और लेस ऐसी ही रहती है, तो बस डेट्स चेंज रहती हैं। तो मैं आपको जो बातें इसमें समझाऊंगा वो आपको इस साल के लिए भी वैलिड है, और अगर आप कोई अगले साल का देख रहे हो, मीन्स अगर ये 25-26 में भी आती है, तो कुछ मोर और लेस ऐसा ही रहता है, बस डेट्स चेंज रहेंगी और कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो पहली बात की जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है 13/10/24। तो आपकी जो फॉर्म है वो 13/10/24 से पहले आपको फिलअप करनी है, और आपको कोशिश करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो EWS सर्टिफिकेट इस डेट से पहले बन जाए, तो आपको जो है वो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं सर्टिफिकेट अगर मेरा जो है वो CBT 1 निकल जाएगा तब मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, तब ये गलत फहमी में मत रहो कि आपको जो है वो वर्क करेगा। ओके, तो आपको जो है वो प्रिकॉशन लेना है। स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, और वो ये गलती कर बैठते हैं, बाद में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DV में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब गलती मत करो। आप जो है वो अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो तो आप जो है वो अभी ही अपना सर्टिफिकेट बनवा लो जितना जल्दी हो सके लास्ट डेट से पहले, वरना आपको बाद में जो है वो पछताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बार रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप जो आपने जितनी भी मेहनत की, जितना इसमें 1-2-3 साल लग जाएंगे, अगर 1 साल में तो जल्दी यूजुअली होता नहीं है, तो आपका उतना समय बर्बाद होगा। तो अब देखो इसमें जो है वो क्या है कि अगर आप देखोगे तो इसमें पहली बात कि EWS और EBC में थोड़ा अंतर है, जैसे ये थोड़ा सा नया चीज है, क्योंकि EBC आप जो है वो यूजुअली नहीं सुने होंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इसमें जो है वो अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, आप किसी भी कास्ट से हो, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो 50,000 से कम है, तो आपको जो है वो यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मीन्स आप जो है वो अगर आप ट्रैवल एक्सपेंस या ये सब करते हो तो उस केस में आपको जो है वो मीन्स थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, इन केस ऑफ मॉनिटरी फाइनेंशियल आपको जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मेन जो और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। जो है वो रिजर्वेशन की बात आती है वर्टिकल रिजर्वेशन से, यानी कि यहाँ पे आपको कास्ट के बेसिस पे और इनकम के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलती है, और इसमें जो है वो आता है मेन मुद्दा EWS का। इसमें जो है वो वैकेंसी की जॉब की 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS कैंडिडेट को मिलती है। एक बात और मैं बता दूं कि आपको जो है वो यहाँ पे कुछ भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो कि इसमें 8.2 में क्या लिखा गया हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी मे बी कंसिडर्ड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पैरामीटर्स फॉर यूआर कैंडिडेट। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन अगर आप यूआर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप जो है वो SC ST से हो तो आप SC ST से ही फिल करो, या फिर EWS में लाई कर रहे हो तो EWS से ही फिल अप करो। अगर आप जो है वो EWS कैटेगरी के क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हो, सर्टिफिकेट है, तभी आप जो है वो EWS से फिल अप करो। अगर EWS का क्राइटेरिया आप नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो फिर आप जो है वो UR से फिल अप करो। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस क्या दी गई हुई है। अगर मैं EWS की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो फॉर्मेट में जो चीज़ें रहती हैं वही सब यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है। ओके, तो इतना मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ये सब जो है वो जानकारी आपको पहले से पता होगी कुछ, कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और ये जो घर के बारे में है कि 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, ये सभी। ओके,
तो यही यही सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है। लेकिन इसमें जो मेन बात है, ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो आपको 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोशिश करनी है कि जो क्रूशियल डेट है उससे पहले बन जाए, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है उससे पहले बनवा लो। अगर हो सकता है कि आप ये वीडियो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग के बाद देख रहे हो, तो आप जो है वो जितना जल्दी हो सके, अगर 1-2 महीने बीते हैं, 3 महीने बीते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा के रख लो अपने पास, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको कोई भी इशू ना हो। वरना कई बार स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बात और मैं बता दूं कि आप जो है वो अगर सोच रहे होगे कि मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है, कि आप जो है वो ओल्ड सर्टिफिकेट से अपना काम चला लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। उस पर भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद बना होगा, तभी आपको जो है वो इसके बेसिस पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल पाएगा। वरना जो है वो बहुत पुराना सर्टिफिकेट, आप 2 साल 3 साल पहले का सर्टिफिकेट बनवाओगे, उससे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको जो इसमें मेन जानकारी थी वो मैंने आपको दी है। और इसका जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा ही कुछ फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनती है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो को देखो, सभी चीज़ें समझ लो, ताकि बाद में जब भी लेटर स्टेज हो तो आपको कोई भी इशू ना हो, या फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं बनवानी आती है तो आपको स्टेप्स पता चल जाएगी कि वो सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें जो है वो मेन दो चीज़ें हैं, उसको आप कंसिडर करना। सर्टिफिकेट नंबर आपका सही होना चाहिए, वैलिड ईयर यहाँ पे 2024 से 25 होगी, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है ये 2023 से 2024 होगी। ये दो तीन चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और डेट तो आपका जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होता है वो लिखा रहेगा, नेम, फादर्स नेम, ये एड्रेस, ये सब की बातें आपको पता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो इसमें जो मेन जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट करना। RRB NTPC की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं तो आपको यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो इसे फ़ोन में भी अपने जो वो टेक्स्ट बुक ऐप अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अराउंड 1000+ जो है वो टोटल टेस्ट है, और इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ ही रेलवे की जितनी एग्जामिनेशंस होती हैं और SSC की एग्जामिनेशंस होती है, उन सभी के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर दोनों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे जो है वो पास्ट ईयर पेपर्स 164 है, और यहाँ पे 2022, 2016 और 2020 और 2021 चार साल के पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है वो इन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही जो है वो अच्छा आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। और यहाँ पे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेल्दी कंपटीशन आप यहाँ पे फेस कर पाओगे, जो कि 6 लाख अराउंड स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही जल्दी जो है ये 7 लाख और 10 लाख भी हो जाएंगे। ओके, मीन्स यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ही रिलाई करते हैं, और आप जितने भी स्टूडेंट्स जो जिनका NTPC निकलता है या फिर आपने ग्रुप डी देखोगे कि निकला हुआ है, वो सभी जो है वो टेस्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन करते ही हैं। तो आप जो है वो इससे अपनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो देखो, इसकी प्राइसिंग जो है वो डिटेल्स वेरी करते रहती है। आप जो है इसका 3 ईयर्स वाला पास परचेज कर सकते हो, 649 इसकी प्राइसिंग है, 3 साल के लिए आपको 649। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, जिस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे तो और भी प्राइस कम हो जाएगी। ये जो कूपन कोड है ये है JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो और भी जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये जो 600 रुपये, 649 रुपये है वो घट के और भी कम में आपको मिल जाएगा। और 1 ईयर वाला मत लेना, ये जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, स्टूडेंट्स 1 ईयर वाला कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन क्या होती है कि NTPC या फिर रेलवे की एग्जामिनेशन यूजुअली डिले चलते रहती है, तो आप जो है वो सोचोगे कि मेरा सब कुछ 1 साल में हो जाएगा, तो वो बहुत ही रेयर होता है। ओके, सो आप जो है वो इसमें थोड़ा टाइम लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आप जो है वो इस कूपन कोड को अप्लाई करके अपना जो है वो पास भी परचेज कर सकते हो, और प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि आपकी जो है वो सिलेक्शन की चांसेस बने। और देखो यहाँ पे जो है वो आपको सब कुछ की प्रैक्टिस मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, CBT 1 के लिए फुल टेस्ट भी है, अभी लूसेंट का जो GK है उसकी भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट ये सभी तो होते ही रहती है। ओके, सो आई होप कि आप जो है वो इसको एक बार कंसिडर करोगे। और अगर आप चाहते हो कि फ्री में कुछ टेस्ट देना, तो आप जो है वो 10 टेस्ट फ्री में यहाँ पे दे सकते हो।
तो एक बार टेस्ट बुक आपको जरूर डाउनलोड करें, और इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।